राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, सारे लोग जो है अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रीति आज जो है झाड़ू दे रही है। और दोस्तों आज ही शादी है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और मैं ऐसे ही सारी रस्में दिखाऊंगी कि गांव में कैसी मतलब तैयारियां की जाती है सुबह से और क्या क्या रस्म होती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। और यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है और ये वीडियो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। और उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये सुबह सुबह का क्लिप है। तो आप लोग को पता ही है कि गांव में मतलब सुबह सुबह क्या काम किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब गौ माता का सेवा किया जाता है, उन सबको चारा पानी डाला जाता है और गोबर ओबर उठाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अमृता जो है गोबर पहले ही उठा रही थी और प्रीति यहाँ पे झाड़ू लगा रही है और मम्मी जो है गैया लगा रही हैं, क्योंकि उनका डेली का काम रहता है गैया लगाने के लिए। और उसके बाद हम इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चुमावन हो रहा है, तो ऐसे ही सारे लोग बारी बारी से चुमावन करते हैं। तो यहाँ पे दी आ गई हमारी चुमावन करने के लिए। और दोस्तों मैं आप लोग को हर रस्म दिखाऊंगी और सारे रस्म कैसे किए जाते हैं, तो वह सब हमारे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक जरूर। गुद्दी तो नहीं सड़ जाओ। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ का शादी के दिन की पहली शुरुआत है। तो यहाँ पे हल्दी लगाने की मतलब शुरुआत हो रहा है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। ऐसे ही बारी बारी से सारे लोग हल्दी लगाएंगे और उसके बाद देखिए मैं इधर आ जाती हूँ, क्योंकि आज के दिन तो बहुत ज़्यादा काम है, अपने घर पे भी रहेगा चाचा के घर पर ही। तो ऐसे ही सारे लोग सारे काम मतलब मिल कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों ये दूसरी रस्म है, तो इस रस्म का नाम चुनौता है। तो इसमें जो है फुलौड़ी वारा और ये बरी जो हमने एक हफ्ते दो हफ्ते पहले बनाई थी वह सूख गया था, तो उस चीज़ का भी आज यूज होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि कहाँ पे यूज होता है उस बरी का। और यहाँ पे देखिए मम्मी और भी मतलब अगल बगल के और मौसी उसी लोग भी हैं, तो सारे लोग मिलकर यहाँ पर पकौड़ियाँ तल रही हैं, क्योंकि पकौड़ियाँ और ये बारा और फुलौड़ी मतलब हर चीज़ का मतलब इसमें यूज है। तो आप लोग देखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए फुलौड़ियाँ जो है तला गया था पहले, और फिर यहाँ पे बारा तला रहा था। मम्मी हमें दिखा रही थी, कह रही थी कि दिखा दो अपने दोस्तों को और फोटो भी खींच लो, कि मतलब हमारे यहाँ ऐसी मतलब शादी के दिन की शुरुआत होती है। तो सुबह के समय आप लोगों ने देखा है कि हल्दी हल्दी चुमान हो रहा है, और उसके बाद ये मतलब पकौड़ियाँ वकौड़ियाँ बन रही हैं, क्योंकि आज चुनौता है और मतलब इस रस्म का नाम चुनौता है। दोस्तों देखिए ये इस रस्म की शुरुआत हो गई है, जिसका नाम चुनौता है। तो यहाँ पे देखिए मामी जो है चावल भर रही हैं दुल्हन के हाथों में, और फिर यहाँ पे भी कुछ होगा, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों जो लोग गाँव में रहते होंगे उन्हें पता ही है कि इसके बाद कौन सी रस्म होती है। तो फिर लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर हल्दी उल्दी लग जाएगा और उसके बाद जो है उस चुनौता का मतलब रस्म की शुरुआत भी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रीति लग गई हल्दी लगाने में। Thank you.
बुआ के जा करा भाभी। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से सारी छोटी छोटी लड़कियाँ जो एलईडी लगा रही हैं, जिसका भी मन करता है वही लगाते हैं। 5 लोग लगाएं या 7 लोग लगाएं, और मेरा बाबू भी पहुँच गया था। तो सारे लोग कह रहे थे कि बाबू को भी कहो एलईडी लगाने के लिए, लेकिन मेरा बाबू जो है सुन नहीं रहा था। तो दोस्तों वहाँ पर एलईडी लग गया, और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं दुल्हन और मतलब चाची हमारी। तो यहाँ पर जो है कोवर बना हुआ है, तो यहीं पर रखा जाएगा, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पूजा होता है, और उसके बाद दूसरी रस्म शुरू होगी। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे सारे मेहमान आ रहे हैं, और नाना है, और हमारे दोनों भाई मतलब अजय विजय हैं और उसके दोस्त हैं। तो नाना जो है बाबू को गुलाब जामुन खिला रहे थे, तो मैं बोली बाबू मुझे भी मिलेगा, तो उसकी बहन कह रही नहीं आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को मम्मी को मिला आती हूँ। तो मम्मी यहाँ पे देखिए क्या कर रही। तो ये चूल बना था पहले ही 4 कोण का भी, और ये चूल्हा भी बना था, तो इसी को मम्मी जो है सही करने में लगी हुई। पहले तो इसे उलट लिए, और उसके बाद ऊपर से लेप लगा रही मिट्टी का, जिससे ये अच्छे से बन जाए। और यहाँ पे देखिए हमारे मामा हैं, और ये उनकी लड़की है। तो मैं बोल रही थी फोटो खिंचवाने के लिए, और ये इधर उधर देख रही थी और बार बार मुस्कुरा रही थी, और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मड़वा है, मतलब हमारे गांव में इसे मड़वा बोला जाता है, जहाँ पे दुल्हन की शादी होती है। और ये मंडप गढ़ गया है, तो मतलब ये बांस का ही बनता है, अब तो जो है ऐसे बन जाता है टेंट वाला, तो वही मतलब बना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी और चाची जो है कुछ रस्म कर रही हैं, जो चद्दर ओढ़ कर किया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है चावल और दाल रख गया है दौरी में, और उसके बाद वो वरी थी जो पहले बनी थी, मैं आप लोग को दिखाई थी पिछले वीडियो में, तो उसी चीज़ का आज यूज होगा। तो यहाँ मम्मी और चाची दोनों लोग कुछ कर रही हैं, तो उसके बाद जो है वही वरी वरी सारे महिलाओं को दिया जाएगा। और फिर ये देखिए जो चूल्हा बना था 4 कोण का, तो इसका भी आज ही यूज होगा। तो यहाँ पे लोग जो है अपना पूजा पाठ करती हैं, और मतलब कैसे क्या किया जाता है वही सब करेंगी। तो मम्मी और चाची हाथ में ये जो चावल और बरी और फुलौड़ी उलौड़ी था, तो वही सब मतलब इसमें लेंगी और ऐसे ही राउंड राउंड घूमेंगी। तो दोस्तों इस मतलब यहाँ पे हमारे गांव में तो ऐसे ही किया जाता है, आप लोग यहाँ कैसे किया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उससे पहले आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, जिसे हमें भी पता चल जाए। लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते, और कुछ लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए हम उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं और जो लोग हमें डेली कमेंट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है मंडप में 5 लड़कियों को बैठाया जाता है, और साथ में दुल्हन रहती है और एक लड़का रहता है। तो पूड़ियाँ बनी थी और पकौड़ी वकौड़ी बनी थी, चावल वोल भी बने थे, और दही वही मतलब सब कुछ का मतलब यहाँ पे यूज होता है। तो सारे लड़कियों को यहाँ पे बैठाया जाता है, और उनको मतलब भोजन कराया जाता है, और फिर जो है दुल्हन से फेरा करवाया जाता है। तो हमारे यहाँ दोस्तों ऐसे ही मतलब शादी के दिन की शादी रस्में शुरुआत होती है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 लड़कियाँ बैठ गई हैं, और एक साथ में लड़का बैठ गया, और बीच में जो है दुल्हन बैठेगी, और यहाँ पे देखिए फेरा की रस्म शुरू हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मतलब ये फेरे का मतलब रस्म पूरा हो गया था, और उसके बाद दुल्हन बीच में बैठ गई, और ये भोजन जो है सारे लड़कियों और एक लड़के को निकाला गया है, तो उसी से मतलब दुल्हन को परसा जाएगा और फिर ये लोग खाएंगी अपना। उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी और चाची लोग और बगल की दीदी और मतलब मासी उसी सारे लोग आए हैं, और सारी महिलाएं भी आई हैं यहाँ पे। तो मतलब अब ये जो मतलब फुलौड़ी वारा और ये दाल और चावल एक ही में मिक्स किया गया है,
और साथ में ये बरी जो बनी थी, तो वही दोस्तों देखिए सारी महिलाओं को दिया जाता है। हमारे गांव में ऐसी ही सारी रस्म होती है सारे के दिन का, इसे ही हम लोग चुनौता बोलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि वह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।